फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं एक कैमरा ट्राइपॉड जो कि आता है अगारो कंपनी की साइड से। फ्रेंड्स, ये ट्राइपॉड हमने अपने पर्सनल यूज के लिए मंगवाया है जिससे कि हम अपने YouTube के लिए वीडियो बना सकें। अगर आपका भी कोई YouTube चैनल है या फिर आप YouTube चैनल के लिए वीडियो बनाना चाहते हैं और आपको एक ट्राइपॉड की ज़रूरत है तो आप ये अगारो कंपनी का ट्राइपॉड ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसके क्या क्या फंक्शन है, इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है, कितने साल की वारंटी मिलती है और क्या इसकी स्पेसिफिकेशन है और कैसे इसको यूज़ किया जाता है, सारी डिटेल इसमें देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसके साथ में हमें और क्या कुछ मिलता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसके साथ में हमें एक ये यूज़र मैनुअल गाइड मिल जाती है, इंस्ट्रक्शन मिल जाती है। इसके अंदर इसकी सारी डिटेल दी गई है कि किस तरह से इसको यूज़ करना है और कौन सा पार्ट कैसे असेंबल करना है। इसके साथ में फ्रेंड्स एक स्मार्टफोन होल्डर भी देखने को मिल जाता है जो कि अदर ब्रांड के जो ट्राइपॉड आते हैं उनके साथ में नहीं आता। इसके साथ में एक ये कैरी करने के लिए बैग आता है। आप इसके अंदर ट्राइपॉड को डाल के कहीं पर भी लेके जा सकते हैं। मान लीजिए आप वीडियो शूट करने जा रहे हैं और उसकी जो लोकेशन है वो अदर साइड पे है तो आप इसके अंदर इस ट्राइपॉड को रख के सेफली इसको यहाँ से वहाँ लेके जा सकते हैं। इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है बैग की वो भी काफ़ी अच्छी दी गई है। फ्रेंड्स, अभी हम देखते हैं इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका जो वेट है फ्रेंड्स वो 1.15 केजी वेट है। इस ट्राइपॉड का जो वेट है फ्रेंड्स वो ये वाला वेट है। और फ्रेंड्स, इसकी जो मैक्सिमम हाइट है फ्रेंड्स, ये जो ये ट्राइपॉड आप देख रहे हैं इसकी जो मैक्सिमम हाइट है, जब हम इसको ओपन करके जब हाइट बढ़ाएंगे तो वो हाइट फ्रेंड्स 66 इंचज तक बन सकती है, यानी कि 66 इंचज तक हो जाएगी। अभी जो मिनिमम हाइट है फ्रेंड्स इसकी, वो अभी की जो हाइट है वो 23.5 इंचज है। अभी आप यहां पे देख सकते हैं इसकी जो हाइट है फ्रेंड्स वो 23.5 इंच है। फ्रेंड्स, इसकी जो लोड कैपेसिटी है वो 3 kg है। आप इसके ऊपर 3 kg का वेट डाल सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसके साथ में आपको 1 साल की वारंटी देखने को मिल जाती है। आप इसके ऊपर फ्रेंड्स अपना DSLR कैमरा भी आराम से लगा सकते हैं। अभी हम देखते हैं इसके अंदर आपको क्या क्या फीचर फंक्शन मिल जाते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इस ट्राइपॉड के यहाँ पे बबल लेवल को देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसके अंदर आपको 2 लेवल देखने को मिल जाते हैं जिससे कि आप अपने इस ट्राइपॉड को कहीं पे भी सरफेस पे रखते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि ये सरफेस लेवल में है या नहीं है। आप उसको लेवल में मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका लेवल दिया गया है। और जो ऊपर कैमरा सेटिंग करना है उसके लिए भी आपको एक यहाँ पे लेवल देखने को मिल जाता है। मान लीजिए आपकी इसकी हाइट थोड़ी ऊंची नीची हो जाती है तो ये लेवल यहाँ पे इस तरह से मूवमेंट करेगा और उसको आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेट कर सकते हैं और आपको पता भी लग जाएगा और कहाँ पे कौन से लेवल पे है। अभी हम देखते हैं इसके जो ये हैंडल दिया गया है, इस हैंडल की मदद से आप वीडियो को अच्छे से शूट कर पाते हैं। फ्रेंड्स, मान लीजिए आपको ये ऊपर नीचे करना है तो थोड़ा सा इसको इस तरह से लूज करेंगे तो ये आराम से हो जाएगा। और जहाँ पे भी आपको सेट करना है वहाँ पे सेट करके इसको अच्छे से टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद फ्रेंड्स ये इधर उधर नहीं हिलेगा, आप देख भी सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इधर उधर इस तरह से घुमाना है तो फ्रेंड्स आपको ये वाला जो स्क्रू दिया गया है, एक लॉक दिया गया है, इसको लूज़ करना है और आप इसको इस तरह से भी मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और जहाँ पे भी आपको फिक्स करना है, फिक्स करने के बाद आप इसको टाइट कर देंगे तो ये इधर उधर नहीं हिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, सब ये हो गया। अगर आपको फ्रेंड्स पोर्टेबल मोड यानी कि इसको रील वगैरह बनाना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसको इस तरह से, ये जो आपको ये देख सकते हैं स्क्रू दिया गया है, इस स्क्रू को आप इस तरह से लूज़ करेंगे तो ये इस तरह से हो जाता है। ठीक है, और इसको यहाँ पे रखने के लिए इस तरह से टाइट कर देंगे। अभी फ्रेंड्स हम देखते हैं इसका जो अंदर का जो एक शाफ्ट दी गई है स्क्रू टाइप की, उसको भी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इस स्क्रू को लूज़ करेंगे। फ्रेंड्स, स्क्रू को लूज़ करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे एक हैंडल दिया गया है, इस हैंडल को अगर आप इस तरह से घुमाते हैं तो ये ऊपर निकलना स्टार्ट हो जाता है, आप देख भी सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसकी जो मैक्सिमम हाइट है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये निकल गई है। मैं थोड़ा दूर से करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये आप देख भी सकते हैं फ्रेंड्स, आपको दिखाई दे रहा होगा। इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। अगर आप इसको डाउन करना चाहते हैं तो इस हैंडल को आप वापस से रोटेट कर देना है तो ये वापस से आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से मान लीजिए आपको यहीं पर रखना है, यहीं पर करके आपको ये वाला जो स्क्रू है इसको टाइट कर देना है। ठीक है, आप अपनी
रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसकी हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। इसकी जो मैक्सिमम हाइट है फ्रेंड्स वो मैंने आपको बताई है, 66 इंचेस दी गई है। अभी हम फ्रेंड्स इसके लेग की बात करते हैं। फ्रेंड्स मैंने इसकी बिल्ड क्वालिटी तो बताई नहीं है, इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है फ्रेंड्स वो मैंने मेरे को पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी है। ठीक है, एक लाइट वेट है और इसकी जो बॉडी है फ्रेंड्स वो एल्यूमिनियम बॉडी दी गई है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी भी दी गई है। ठीक है, और यहाँ पे फ्रेंड्स एक मान लीजिए आपको यहाँ इधर से उधर लेके जाना है तो यहाँ पे एक हैंडल दिया गया है, इस हैंडल को पकड़ के आप कहीं पे भी इसको लेके जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे आप देखेंगे फ्रेंड्स नीचे की साइड में एक लेग के अंदर आपको इस तरह से दो लॉक दिए मिलेंगे, आपको इन लॉक को इस तरह से ओपन करना है और इस तरह से इसको निकाल देना है और फिर इसके बाद ये लॉक कर देना है। ठीक है फ्रेंड, और दूसरा लॉक भी आप ओपन करेंगे तो इस तरह से इसकी लेग और भी लेंथी हो जाएगी। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं फ्रेंड्स कितनी लेंथी होगी है, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं तीनों की तीनों लेग को। देख सकते हैं हमने दूसरी लेग को भी ओपन कर लिया है, इसी तरह से आप इसको तीसरी को भी ओपन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं इसकी जो लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है। अगर हमें इससे भी ज़्यादा लेंथ चाहिए तो आप ऊपर का जो मैंने बताया था आपको ये मैकेनिज्म सिस्टम है, इसको हैंडल को घुमाएंगे तो और भी ज़्यादा ये हाइट हो जाती है। फ्रेंड्स इसके अंदर एक फीचर और दिया गया है, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। इसके नीचे में आपको इस तरह से एक ये फ्लेक्सिबल टाइप के पेडेस्टल देखने को मिल जाते हैं। ये क्या है, मान लीजिए आपका सरफेस है जो नीचे का वो ऊबड़ खाबड़ है तो उसके अकॉर्डिंग ये अपने आप ही इसको एडजस्ट कर लेते हैं। मान लीजिए आप इस तरह से इसको रखते हैं, रखने के बाद फ्रेंड्स आप अपने हिसाब से रखेंगे तो ये ऊबड़ खाबड़ जगह पे इस तरह से रखा जाएगा, जैसे कि मेरा हाथ जो है ऊबड़ खाबड़ है लेकिन जो इसके पेडेस्टर हैं वो बिल्कुल प्योर अच्छे से बैठ गए हैं फ्रेंड्स। ठीक है, आप देख भी सकते होंगे। तो इसमें क्या है फ्रेंड्स, इधर उधर गिरने का खतरा नहीं रहने वाला है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम यहाँ पे इसको रख के दिखाते हैं और आपको थोड़ा दूर से भी आपको इसका व्यू दिखाते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स इसकी जो हाइट है वो काफ़ी अच्छी हाइट देखने को मिलती है। अगर हम इसका ऊपर का जो लीवर है ये यहाँ से निकलता है वो और निकाल दें तो और भी ज़्यादा हाइट हो जाने वाली है। तो फ्रेंड्स अभी हम देखते हैं इसके साथ में जो स्मार्टफोन होल्डर दिया गया था उसको कैसे यूज़ करना है, यानी कि इसके साथ में कैसे लगाना है। तो यहाँ पे एक ये इस तरह से लीवर दिया गया है, इसको आपको इस तरह से कर लेना है और यहाँ से ये स्ट्रिप निकाल लेनी है। स्ट्रिप निकालने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखेंगे तो इस होल्डर के नीचे एक नट दिया गया है और यहाँ पे एक ये बोल्ट दिया गया है, इस बोल्ट को इसके अंदर अच्छे से टाइट कर देना है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अभी ये टाइट हो गया है और इसको दोबारा से इस लीवर को इस तरह से खींचना है और इसके अंदर इसको अच्छे से सेट कर देना है और तो ये फिक्स हो जाता है। आप देख सकते हैं ये फिक्स हो गया है फ्रेंड्स। ठीक है, आप अपना स्मार्टफोन इसके अंदर लगा के वीडियोस वगैरह शूट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में आपने देखा एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी का ट्राइपॉड कौन सा लेना चाहिए और इसके क्या क्या फीचर हैं, कौन कौन से फंक्शन हैं, कैसे इसको यूज़ करना चाहिए, सारी डिटेल हमने इस वीडियो में आपको दे दी है। फ्रेंड्स अगर आपको ये अगारो कंपनी का ट्राइपॉड खरीदना है तो इसका लिंक मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप इसको खरीद सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की ये वीडियो और आपको ये ट्राइपॉड कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।